प्रत्येक व्यक्ति को बाज बनना चाहिए। बाज उड़ता तो अकेला है मगर सबसे ऊंचा, और उड़ता भी है तो अपने ही बाज के साथ, ना कि छोटे चिड़िया और छोटे बच्चों के साथ। यही सीख मानव को आगे बढ़ाती है। ऊंचाई पर उड़ता है, बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। क्या चाहते हैं मेरे वीर? पृथ्वी युद्ध। सो वेल फ्रेंड्स, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म अनेक और देहाती डिस्को तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों हॉलीवुड की बिगी फिल्म टॉप गन मैवरिक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने तीसरे दिन हिस्टोरिकल कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। और इस फिल्म की आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो भी काफी धमाकेदार है। तो वहीं दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 इस हफ्ते काफी शानदार कमाई कर रही है और इंडियन बॉक्स ऑफिस की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म भूलभुलैया 2, टॉप गन मैवरिक, अनेक, पृथ्वीराज की एडवांस बुकिंग कलेक्शन और केजीएफ चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन पांचों ही फिल्मों में इंडियन बॉक्स ऑफिस की बाजी कौन मार रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म अनेक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको आयुष्मान खुराना और एंड्रिया नजर आई है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अनुभव सिन्हा ने। वहीं इस फिल्म का बजट है 40 करोड़ रुपए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान खुराना हमेशा कोई ना कोई नए सब्जेक्ट पर फिल्म लाते हैं और उनकी फिल्में कंटेंट ओरिएंटेड रहती है। इस बार दोस्तों वो नॉर्थ इंडिया और इंडिया के लोगों को पर फिल्म लेकर आए हैं, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज तो काफी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को जो रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है वो कुछ खास नहीं है। आयुष्मान की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन मात्र 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन के भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो लगभग 2.5 करोड़ के ही रहे हैं। आज ये फिल्म अपने तीसरे दिन भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन है वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर, वहीं दोस्तों लगभग 10 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। आयुष्मान की इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 40 करोड़ की कमाई करनी होगी, और दोस्तों ये फिल्म जिस तरह की कमाई अपने शुरुआती 3 दिनों में कर पाई है उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हो रही है। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि टॉप गन मैवरिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको दोस्तों टॉम क्रूज नजर आने वाले हैं, और दुनिया के इस सबसे बड़े एक्शन हीरो की फिल्म को डायरेक्ट किया है जोसेफ कोसिंस्की ने। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का बजट $170 मिलियन का था, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन $40 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर 2021 और 22 की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर साबित हुई। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को फंटास्टिक रिव्यूज मिल रहे हैं। इस फिल्म का एक्शन पसंद किया जा रहा है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर मात्र 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे निकल कर आए हैं और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 4.10 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की है। आज अपने तीसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो भी काफी शानदार हो चुका है और यह फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में जहां वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $116 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी, तो वहीं दोस्तों आज के कलेक्शन मिलाकर इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन $150 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका होगा। यानी कि दोस्तों ये फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ अपने 3 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर इस साल
साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तीसरी फिल्म यानी कि भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तबू नजर आई है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अनीस बज्मी ने। वहीं इस फिल्म का जो बजट है वो 60 करोड़ रुपए रखा गया था। दोस्तों बताते चले आपको कि इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिले। कार्तिक आर्यन के काम को पसंद किया गया। तबू और राजपाल यादव ने इस फिल्म में जान डाल दी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का जो हॉरर और कॉमेडी एलिमेंट है वो भी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। फैमिली ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को एंजॉय कर रही है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 14 करोड़ 11 लाख की ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में ये फिल्म 93 करोड़ रुपए की कमाई करके इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2022 की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फिल्म साबित हो चुकी थी। ये इस फिल्म का दूसरा हफ्ता है और इस फिल्म के सामने इस हफ्ते 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों को अपने दूसरे हफ्ते भी पीछे करते हुए कार्तिक आर्यन की ये फिल्म जहां अपने 8वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 6.5 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही, तो वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन इस फिल्म की जो कलेक्शंस थे उसमें 90% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने लगभग 11 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने 9वें दिन पार कर लिया। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 9 दिनों में कर चुकी थी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के आज यानी कि अपने 10वें दिन के कलेक्शंस की, तो आज के भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें काफी शानदार ग्रोथ देखी जा रही है और दोस्तों ये फिल्म आज अपने 10वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 14 से 15 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस फिल्म का शुरुआती 10 दिनों का टोटल 125 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, जिसके एडवांस बुकिंग को शुरू हुए आज एक दिन होने वाला है और दोस्तों इस एक दिन में ही इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2021 और 22 में रिलीज होने वाली सभी बड़ी फिल्मों के एडवांस बुकिंग को पीछे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा डायरेक्ट की जा रही हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद नजर आने वाले हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4,500 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है, जिसकी एडवांस बुकिंग को शुरू किए आज एक दिन होने वाला है। हालांकि दोस्तों कल तक इस फिल्म की जो एडवांस है वो कुछ ही जगहों पर शुरू की गई थी, जहां से इस फिल्म ने लगभग 42 लाख रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर ली थी। आज दोस्तों इस फिल्म की एडवांस शुरू होते ही इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में अच्छा एक्साइटमेंट देखने को मिला और यही वजह रही दोस्तों कि आज की इस फिल्म की एडवांस मिलाकर ये फिल्म लगभग 60 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। जल्द ही दोस्तों ये फिल्म आज 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को 3 जून को रिलीज किया जाना है और ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में लगभग 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनाई जा रही इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म KGF चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि KGF चैप्टर 2 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को रिलीज किया गया था, जिसने कि अपने शुरुआती 4 हफ्तों तक 1172 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया था। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के 6ठे और अपने 7वें हफ्ते के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 6ठे हफ्ते भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 1228 करोड़ का हो चुका था। अपने 7वें हफ्ते यानी कि इस वीकेंड में इस फिल्म के सामने 3 और नई बड़ी फिल्में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों KGF चैप्टर 2 का जो तूफान है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दोस्तों ये फिल्म इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को लाने में कामयाब हो चुकी है। इस फिल्म ने दोस्तों अपने 7th वीकेंड के फर्स्ट डे यानी कि 44th डे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने 45th डे को इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए के रहे। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1232 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। ये इस फिल्म का दोस्तों आज 46वां दिन है और 46वें दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी शानदार निकल कर आ रहे हैं और दोस्तों ये फिल्म आज भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 1235 करोड़ रुपए का आज हो चुका होगा और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी होगी। तो आपको दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सही